resume student standard 7 subject in this chapter 22 Arthu Janu and domestic डोमेस्टिक एनिमल लास्ट टाइम हमने देखा था कि पालतू जानवर किसे कहते हैं जो हमें यूजफुल होता है उसे हम पालतू जानवर कहते हैं तो उसकी हमें जो पेट हम पालते हैं जैसे कुत्ते यानी पपी हम पालते हैं थोड़े 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 बड़े होकर वो डॉग बन जाते हैं किटन हम कोई लोग पालते भी है भी किटन तो वो बड़े होकर किट बन जाते कैट बन जाती है तो ऐसे फिर घोड़ा गधा भी कौन गधा करे वो पालेगा भाई तो गधा भी पालतू जानवर है कैसे तो वो कुंभार होता है कुंभार वो अपनी मिट्टी लाने के लिए जो मिट्टी के बर्तन बनाता है ना वो मिट्टी लाने के लिए वो गधे का यूज करता है गधे के ऊपर ऐसे बोरी रखकर मिट्टी लाता तो वो गधे पालते हैं गाय भैंस बकरी कौन पालता है तो भाई जो उनका दूध निकाल सके और दूध मंडी में जमा कर सके तो वो उससे पैसे भी कमा सकते हैं तो इसलिए वो गाय भैंस बकरी पालते हैं घोड़ा तो घोड़ा क्यों क्या यूज में क्या उपयोग में आता है तो घोड़ा क्या करता है भाई वो सवारी के काम आता है घोड़ा सवारी के काम आता है मैंने बोला आपको कि आप ये खाकर या सुनने जाएंगे या लो गार्डन के वो उस तरफ जाएंगे तो अभी भी वो घोड़ा गाड़ी होती है उसमें आपको बिठाते हैं पूरा चक्कर राउंड लगाते हैं तो वो करते बैल भी लोग पालते हैं तो बैल को अपने खेतों में काम करवाने के लिए और वो बैलगाड़ी भी होती है ऊंट गाड़ी भी होती है तो ऐसे सब लोग पालतू जानवर को रखते हैं पालते हैं उसकी केयर भी करते हैं उसको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं जैसे मम्मी पापा होते हैं तो हमको कुछ भी आता है बुखार आता है हमारे खाने पीने से लेकर एवरीथिंग वो मम्मी पापा केयर करते हैं वैसे वो अपने पालतू जानवर की केयर करते हैं तो ऐसे ही मैं सभी जानवर के बारे में दो 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 लाइन आप क्या करोगे कि जो भी जानवर का पिक्चर दिया है आपको तो वो पिक्चर के हिसाब से आपको पिक्चर लगाना है और उसके बारे में दो लाइन लिखनी है पिक्चर लगाना है उसके बारे में दो लाइन लिखनी है तो पिक्चर आप बाहर से मत लिखो बाहर से आप पिक्चर लाकर चिपकाओ मत वो चार्ट में जैसे इजी पिक्चर है गाय है घोड़ा है आपको जो आता है वो पिक्चर ढूंढ कर और रन फिलअप करके उसके बारे में तो दो लाइन कंपल्सरी लिखनी है तो हम स्टार्ट करते हैं गाय तो मैं ये दो लाइन क्यों लिख पा रही हूँ तो सुनो कि भाई दो लाइन लिखकर इसमें से ही आपको वन वर्ड आंसर पूरे सेंटेंस में आंसर आपको खाली जगह राइट और रॉन्ग ये सब कुछ इसमें से आएगा तो आपको आना चाहिए चलो गाय तो गाय है
यानी बफर। बफेलो यानी भैंस गांव में दिखाई देती है, भैंस का दूध निकालने के लिए वो लोग भैंस पालते हैं। ये गाय होती है, भैंस होती है, जो भी होते हैं तो उनके लिए वो स्पेशल रहने के लिए रखते। भाई ऐसे छुट्टा चलो 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 बाहर से खाओ, किसी के खेत में जाकर आप खाओ ऐसा नहीं होता। जैसे गाय होती है तो वो भैंस होती है तो वो दिन में एक बार उनको तालाब में लेकर जाते हैं, वो नहाते हैं, वो उनको अच्छी तरह से अपने आप ये तो अपने आप नहाती है, कभी वो उनके मालिक है वो भी उनको ऐसे ऐसे रगड़ कर मिलाते हैं। कभी आप देखना तो तालाब में नहीं जाते तो घर में भी एक तरफ जहाँ उनका रहने का होता है वो एक तरफ उनको सुबह उनको पूरा उनका काम रहता है कि वो पूरा इन्होंने रात को खाया है। तो ये लोग क्या करते हैं पता है, एक साथ सब खा जाते हैं गाय, फिर वो पूरा दिन चबा 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 कर खाते हैं। देखना कभी ये गाय और भैंस और ये बैल होते हैं उनका मुँह कभी बंद ही नहीं रहता, ऑलवेज ऐसे चबा 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 कर खाते हैं, वो जो खाया है उसको भी चबा चबा कर फिर करते हैं। तो ये पूरा उनका गोबर उठाते हैं, गोबर एक साइड रखते हैं। आपको पता है ये गाय और भैंस का जो गोबर होता है ना उसको भी वो वेस्ट नहीं करते, वेस्ट नहीं करते, उनसे वो खाद बनाते हैं, खाद को वो खेत में डालते हैं तो फसल अच्छी हो। तो ये इन लोगों का गोबर भी वो लोग एक जगह इकट्ठा करते हैं, बाद में बेच देते हैं उनकी मर्जी, पर इन लोगों का गोबर भी वो लोग वेस्ट करते नहीं है। पर जिनके घर में गाय भैंस या कुछ तो उनका पूरा दिन उसमें ही जाता है, उनको ऐसा लगता है हाय कितना अच्छा है, एक तो भैंस दूध देती है, गाय दूध देती है, फिर उसका गोबर बेचो तो पैसे मिलते हैं। पर ये उनका पूरा दिन इसमें ही जाता है। सुबह कितने बजे उठना पड़ता है आपको पता है, जितना जल्दी जग कर हम तो जगते हैं तो शांति से हमारा जो रूटीन होता है कि बॉर्नविटा पीते हैं फिर नहाते धोते फिर, पर इनके घर में ऐसा नहीं, वो उठकर जगकर फिर इनके पीछे लग जाते हैं। दोपहर में जब फ्री हो तो भाई इनको नहलाते हैं धुलाते हैं। ये लोग बीमार पड़ते हैं कौन, उनके ये पालतू जानवर बीमार होते हैं तो उनको वो डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं। चलो भैंस, तो भैंस दूध देती है। भैंस दूध देती है बाग में, भैंस के सींग टेढ़े होते हैं। और इसके बाद है बैल, बैल यानी बुलो। बैल खेती के काम आता है,
रेलगाड़ी खींचता के बाद है फोर नंबर बकरी। गोट यानी बकरी, बकरी दूध देती है। तो ये भी हमने देखा था कि भाई बकरी दूध देती है, बकरी पत्तियां खाती है। चलो उसके बाद है घोड़ा। घोड़ा यानी हॉर्स।
घोड़ा सवारी के काम आता है। घोड़ा हॉर्स, मैं लास्ट टाइम आपको सिखाया समझाया था कि भाई घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा सवारी के काम आता है, बोला था घोड़ा गाड़ी के बारे में। फिर देखो अभी तो शादी की सीजन भी चल रही है, वो वर राजा आते हैं तो घोड़े पे बैठकर आते हैं ना, और वो घोड़ा भी अपने मालिक जैसे बोलते हैं, जैसे वो म्यूजिक आगे आगे अच्छी तरह से सुनकर म्यूजिक के हिसाब से वो डांस भी करता है ना, तो घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा सवारी के काम आता है। चलो अब है डॉग, कुत्ता। कुत्ता वफादार जानवर है, कुत्ता घर की रखवाली करता। क्या है कुत्ता वफादार जानवर है, कुत्ता घर की रखवाली करता है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आप कभी किसी बंगले घर या कोई भी फार्म हाउस में गुजर रहे हो तो बोर्ड लगा हुआ है कि भाई कुत्ते से सावधान, राइट। तो कुत्ता घर की रखवाली करता है, कई सारे लोग पेट कुत्ते को इसलिए पालते हैं कि भाई वो वफादार भी होता है। मैंने एक दो जगह सुना भी है कुत्ते की वजह से उसकी मालिक की जान बची, तो भाई ये कुत्ते का तो मुझे पता है, उसको भी जैसे छोटा बच्चा हमारे घर में आता है तो उसको 3, 4, 5 महीने जो भी वैक्सीनेशन होती है तो उसको भी वैक्सीन देनी पड़ती है, तो ये कुत्ते को भी कुछ महीने के आगे पीछे से वैक्सीन भी देते हैं। भाई कई जगह तो कुत्ते का खाना, कुत्ते के कपड़े विंटर के और समर के से अलग अलग कपड़े की मैंने दुकान भी देखी है, उसका खाना भी अलग होता है। वैसे तो खा लेते हैं रोटी और दूध हम जो भी देते हैं, हमारे फ्लैट में से किसी कुत्ते को पपी आता है तो बच्चे लोग पूरा 4-5 दिन तो उसकी सेवा करने लगता है, भाई अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा दूध लाते, फिर रोटी ऐसे चूरा करके देते हैं, फिर ठंडी की सीज़न होती है तो भाई पप्पी को कुछ ना हो इसलिए हम हमारे घर से वो पूरा नहीं चादर वादर लेकर अच्छी तरह से उसको रखते हैं। और कई जगह कुत्ते के अलग विंटर के भी कपड़े बेचते, उसको खाना भी उसके प्रोटीन के हिसाब से मैंने देखा है, वो तो शॉप में मिलता भी है, टीवी में भी कई बार दफ़ा उसका उसकी एडवर्टाइज भी आती है, तो ये सभी को हमको ऐसा नहीं लगता चलो हमको अच्छा चलो बहुत अच्छा है मैं कर सकता हूँ मैं बड़ा हुआ तो मैं भी एक पेट लेकर आऊँ, तो ऐसे लाते हैं रखते हैं नहीं इसके पीछे।
निम्नलिखित बिल्ली बहुत चालाक होती है। आप देखना कभी बिल्ली को चूहे बहुत पसंद है, चूहा देखा नहीं और बिल्ली चपट पड़ती है। पर कभी आपने ये कबूतर है या स्क्विरल है, वो भी अपना दाना चुगने आते हैं या बैठे हैं या कुछ भी, तो बिल्ली इतनी अच्छी तरह से चालाकी से इतनी उस पर झपट मारेगी तो वो बच नहीं सकते। पर भाई बिल्ली को दूध बहुत पसंद है। हम ऐसे बिल्ली को आगे पीछे देखते हैं, घर के आगे या पीछे, तो पहले तो उसको भगा देते हैं। पर बिल्ली का डर भी बहुत लगता है। हम भी बिल्ली जब वो फट करके वो अपने नाखून कर देते हैं तो बिल्ली को हम नहीं पाल, हम बहुत कम लोग बिल्ली को पालते हैं। पर फॉरेन कंट्री में बिल्ली बहुत लोग, जैसे हम वो पपी और वो पालते हैं, तो फॉरेन कंट्री में बिल्ली को बहुत लोग पालते हैं। इसमें भी देखो वो वाइट वाली, पूरी वाइट वाली बिल्ली होती है या पूरी ब्लैक वाली बिल्ली होती है, कितनी अच्छी लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है बिल्ली। तो फॉरेन कंट्री में बिल्ली को बहुत लोग पालते हैं। तो अब 8 नंबर है ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज है। ऊंट का पूरा शरीर से बेडोल होता है, उसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो ऐसे पूरे पालतू प्राणी के बारे में दो लाइन लिखती, एक बार पढ़ लेना, फिर इसके हिसाब से हम